नमस्कार, गुड मॉर्निंग समस्तंकु। आज आम पढ़ा जाऊँगी 10 अगस्त 2018 पढ़ी बैच टू 2018 10 अगस्त बैच टू रे जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन पढ़ी आम डिस्कसन करवा ता भितर कौन कौन कनसेप्ट पढ़ी देखा आदि तुम्हें यही सब क्वेश्चन भल भाव फॉलो करुच डेफिनेटली तुम 15 रु 15 मार्क धरिकी आस ठीक अच्छे किंवा 15 रु 12 13 तो आटलिस्ट धरिकी आसीपर ना तो से तुम अधा मार्क ही नहीं आसो केवल मैथमेटिक्स रईट आउ सब तक मिसेकी अधा मार्क आण आउ 15 घंटा नहीं आस तो तुम्हें सीटी क्वालिफाई कर ठीक अच्छे। तो वर्तमान देखा जे कौन कौन कनसेप्ट पढ़ी जो आमर 15टा क्वेश्चन पढ़े मैथमेटिक्स तो जोटा 2018 10 अगस्त कौन पढ़ी बैच टू रे ना सेट थियोरी रो दीटा क्वेश्चन लिनियर इक्वेशन माने एकघाती समीकरण रो से भी आसी एकघाती समीकरण सेमती ax + by + c = 0 तो ये टाइप रो एकघाती समीकरण आसी ठीक अच्छे। आउ द्विघात समीकरण भी दुईटा क्वेश्चन आसाला द्विघात समीकरण गोटे एग्जांपल जदि देबी 2x² + 5x + 9 = 0 याको केमती सॉल्व करिबो बा यार आउ किछि अछि से उडा को भी आसाला HCF आउ LCM माने जोटा आमर लॉस आगु गॉस आगु रो किछि क्वेश्चन आसीला कंपाउंड इंटरेस्ट रो गोटे क्वेश्चन आसाला ऑलरेडी मु तमो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेछि द्विघात समीकरण भाबुछि गोटे वीडियो बनेबी आगु को काली आड़ी तो रेसीओ प्रपोजन पार्ट 1 कम्प्लीट कर जो पार्ट 1 कम्प्लीट कर गोटे क्वेश्चन आसी ऑलरेडी तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दुईटा क्वेश्चन आसी तो डिस्काउंट गोटे क्वेश्चन आसी परसेंटेज रोटे क्वेश्चन आसाला आउ दुईटा तीन टा क्वेश्चन कौन रही जाए दुईटा क्वेश्चन कौटी रही जाए कि कनसेप्ट किसी अलग आसी ना ये भितर आसी तो मुझे ठीक से देखनी से जी पाइली से लिखिदे तो नेक्स्ट जिनस आम कौन पढ़वा ना चलतु आरंभ करवा आम डिस्कसन 46 नंबर क्वेश्चन कौन पढ़ी ना 46 नंबर प्रश्न पढ़ी जदि गोटे समीकरण दे ax² + bx + c = 0 तो यहाँ हूँ गोटे द्विघात समीकरण तो ये समीकरण मूलद्वय जदि सामान हूँ इक्वाल रुट्स थाए ठीक अच्छे तो यार मूल दुईटी हेले समान तो मूल दुईटी जदि समान हेले ताले एठी सी रो वैल्यू केते तो सी रो वैल्यू केते बोली एठी पचारी थिला प्रश्न तो प्रथमे ए जो समीकरण टा तमे देखी दबो एटा होची द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण कौन पाई ना एठी जो अज्ञात राशि अछि कि एक्स अछि तो एक्स रो हाईएस्ट घात केते अछि सर्वो माने सबुठारो अधिक घात केते अछि 2 अछि तेनु करी जेतु 2 अछि ये हैला गोटे द्विघात समीकरण तो द्विघात समीकरण जो मूल समान कनसेप्ट आसे तार गोटे जिनस पढ़ा को पड़े आमको जोटा मुझे अलग पूर्वर जो मैथ रिविजन करथापि आउ थे आज कौच जार ना है आमर प्रभेदक ठीक अच्छे जार ना है आमर प्रभेदक डिस्क्रिमिनेंट बोली इंग्लीश रे कह जाए था गोटे द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण को जदि आम सल्व करवा ना तो तार गोटे फर्मूला थाए कौन फर्मूला थाए -b + √(b²-4ac)/2a ठीक अच्छे। माने जिते बड़े द्विघात समीकरण आसब तार मूल दीटा आसो माने जो एक्स रान ना दीटा एक्स रैल्यू दीटा आसब तो यही फर्मूला पुट कले तुम्हें से एक्स रीटा जाक वैल्यू पाई पार डिटेल्स वीडियो जदि चाहछ तो कमेंट बॉक्स रे निहाती लेख मु काली की बने बोली भाबुची तो ये गोटे जगह तुम प्लस दब आ गोटे जगह माइनस देगी तुम दुईटा जाक मूल्य पाईपर तो ये फर्मूला रहिला एटा रूट्स रो फर्मूला रूट्स माने तार मूल एक्स वैल्यू एथरु बाहर ये जो जिनसटा देखा ना b² - 4ac तो ये जो b² - 4ac को आम डी बोली लिखी था डी माने डिस्क्रिमिनेंट बा प्रभेदक ठीक अच्छे। ये डी माने होची b² - 4ac ठीक अच्छे। जदि मूल दुईटा सामान हम गोटे टेबुल देची 10म श्रेणी बही रे से टेबुलटा मुझे तुमको एक्सप्लेन करके देखा तो से टेबुल लिखाई पा मैने तीनटा जिनस लिखाई हाँ तो गोटे लिखाई डी इज ग्रेटर दैन 0
ए जो b स्क्वायर माइनस 4ac टा 0 ठारो जदि बडो हैला कोन हबो जदि d इज इक्वल्स टू 0 हैला कोन हबो आ d जदि लेस देन 0 हैला ताहले कोन हबो माने एठी जो d जदि 0 ठारो बडो हे जाउची ताहले एठी कोन हबो ना एठी मूल दीटा जो रूट्स आसीबो से रियल नंबर आसीबो वास्तव संख्या आसीबो आ कोन आसीबो डिफरेंट आसीबो डिफरेंट आसीबो अलग अलग आसीबो माने गोटे रूट आसीबो माइनस बी प्लस प्लस रूट ओवर ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a आ गोटे वे आसीबो माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a एउडा मूल आसीबो सेटा तमे बुझी पारु ना जदि काली बुझियो पिला माने ए सेकंड जिनसटा हम पे इंपोर्टेंट ना जदि d इक्वल्स टू 0 हुए ताले जो मूल द्वय ना से आसीबो वास्तव वास्तव संख्या आसीबो किंतु ये दीटा जक समान मूल आसीबो मूल दीटा समान आसीबो देखो पिला माने ए जगह रे जदि मु एटा को कोन कर दिए d इक्वल्स टू 0 ना b स्क्वायर माइनस 4ac तो ए जगह रे जदि 0 कर दिए ताले मु मूल कोन आसीबो गोटे आसीबो माइनस b divided by 2a तो आउ गोटे भी से आसीबो माने मूल जदि समान हुए ताले d equals to 0 आ एठी कोन ना टोटल रियल नंबर आसीबो नी के यारो किछ आंसर नाही जदि d टा लेस देन 0 हे गला तारो किछ मूल्य नाही बुझी पारलो तो पिला माने ना जदि d 0 हुए ताले मूल समान आसीबो तो प्रश्न रे पचारी थिला ना ए जो इक्वेशन अछि यारो मूल समान तो मूल जदि समान अछि तमे जानी छ ताले d इक्वल्स टू केते हेतिबो ना d इक्वल्स टू 0 हेतिबो हो ना ने जदि d इक्वल्स टू 0 हेतिबो तो तमे जानी छ जे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू केते हेतिबो 0 हेतिबो तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू केते हेतिबो 4ac ठीक अछि b स्क्वायर इक्वल्स टू केते हेतिबो 4ac तो वर्तमान ओल्टे की लिखि दउ छी 4ac इज इक्वल्स टू b स्क्वायर तो हम को c दरकार तो c दरकार हेले b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एटा जाई के से पटे होरा आइ जीवो b स्क्वायर बाय 4a बुझी पारलो तो जदी बुझी पारलो एटा रो आंसर ऑप्शन नंबर कोठरे अछि पिला माने ऑप्शन नंबर d रे अछि ठीक अछि ऑप्शन नंबर डी रे अछि b स्क्वायर बाय 4a होछि आंसर बुझी पारला 46 नंबर ता परे हमे 47 नंबर करिबा तो 47 नंबर क्वेश्चन कोन अछि चलो देखि दबा जदि hcf इफ hcf ऑफ 65.117 65 आउ 117 रो जो गॉस आगु को हमें एक्सप्रेस करी छे 65m प्लस 117n सहाय्य रे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n n रो वैल्यू केते बहुत सिंपल जेंस ना लिखा है जी यार जहा एचसीएफ बाहरिबो यार एचसीएफ केते बाहरिबो ना ये 13 रे कटि जीवो 13 5 65 13 9 117 आ ए दीटा तो कटिबनी तो धन्यटी 5 पके देलो 1 हे गला 9 बळे गला तो 9 पके देलो 1 हे गला 1 हे गला तो किंतु HCF केते बाहरिबो जेहेतु एई दीटा 13 द्वारा विभाज्य तेणु करी HCF केवल 13 तो HCF केते ना 13 HCF हला 13 तो प्रश्न रे देइछि एई दीटा रो HCF को आमे कहा द्वारा प्रकाश करी छे ना 65m प्लस 117n द्वारा प्रकाश करी छे तो एई दीटा जहा एई दीटा रो HCF से तो HCF हला 13 तो हमहु को वर्तमान कोन करियाउ पड़िबो ना एटी n रो वैल्यू काढीबा को पड़िबो तो n रो वैल्यू काढीबा पई आमे जो फार्मूला यूज करीबा सेटा ला ट्राई एंड एरर मेथड माने ट्राई एंड एरर मेथड माने आमे एटी जस्ट ट्राई करीबा ट्राई कला परे देखिबा एटी केमिति 13 होउ छी याकू केमिति मते 13 करियार छी ठीक अछि m रो वैल्यू गोटे मन इच्छा पकेबी n रो वैल्यू गोटे मन इच्छा पकेबी टिके निजरो बुद्धि खर्च करिकि त मते एटी 13 मिलिबार छी ट्राई एंड एरर मेथड नहले अन्य कोनसी उपाय नाही याकू सॉल्व करिवार तो वर्तमान एटा केमति करबा देखो ना जदि मु एठी केते पके देबे मते एठी 13 दरकार ना मते एठी 13 दरकार अच्छा 65 रे जदि 2 गुणी देबी 65 रे 2 गुणी देबी आ एटा 117 65 रे 2 गुणी देले केते हिजो 130
ଆଉ 117 ଯଦି ତା ଦେହରୁ ଫେଡ଼ିଦେବି ମତେ 13 ମିଳିବ 130 ରୁ 117 ଗଲେ 13 ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ନା 65 ଗୁଣନ କେତେ 2 ଗୁଣିଲି ନା ତ ସେଇଟା 130 ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ଲସ୍ ଥାଉ କିନ୍ତୁ 117 ଏନ୍ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ -1 ପୁଟ୍ କରିଦେଲି ତ ଦେଖ କେତେ ହେଉଛି ନା 65 2 ଗୁଣେ 130 ଏଠି ଯେଉଁ 117 ଗୁଣନ ଏକ -117 -117 ଗୁଣନ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ତ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ -117 ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେଲା 13 ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 13 ତେଣୁକରି ଏନ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ମୁଁ କେତେ ପୁଟ୍ କରିଥିଲି ଏନ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ପୁଟ୍ କରିଥିଲି -1 ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଗଲି ନହେଲେ ନିଜେ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆରପଟେ କରିବା ଏଇଟା କାହିଁକିନା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ତ ଚାଲ ଆଉ କେଉଁଟା କରିଦେବା ଆଉ କେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ ଆସିବା ଏଇ ପେଜ୍କୁ କାରଣ ନହେଲେ ହେବନି ତ 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଏଠି ସଲ୍ଭ କରିକି ଦେଖିବା ତ 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା ଯଦି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ କେ ଇଣ୍ଟୁ 4x ପ୍ଲସ୍ 1 ମାଇନସ୍ ସରି କେ ମାଇନସ୍ 1 କେ ମାଇନସ୍ 1 4x ପ୍ଲସ୍ କେ ମାଇନସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ହୁଏ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ସମାନ ଅଛି ରୁଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ସମାନ ମୂଳ ଯେଉଁଟା ବାହାରିବ ନା ଇଏ ସମାନ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ନିହାତି ତ କେ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଏଠି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଏଠି ଦେଖ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଏହା ସହିତ ଗୁଣି ଦିଅ 4 ଇଣ୍ଟୁ କେ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ତ 4 କେ ଏକ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ କେ ଇଣ୍ଟୁ କେ କେ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ କେ ଇଣ୍ଟୁ -1 ମାଇନସ୍ କେ ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଲେଖିଥାଉ ସେଇଟା ଫର୍ମାଟ୍ କ'ଣ ଥାଏ ଫର୍ମାଟ୍ ଥାଏ ନା ଏଇଆ ଯେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଥାଏ ଏଇଟା ଆମର ତ ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ଅଂଶ ନାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛି ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଏ ଜାଗାରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ଅଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ଦେଖ ଏକ୍ସ ଅଛି ତେଣୁକରି ଏଇ ଗୋଟାକ ବି ହେଇଗଲା 4 କେ ଏକ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନା ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ଟା ହେଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ନ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ନ ତାପରେ ବାକି ଯାହାଗୁଡ଼ା ରହିଗଲା ଇଏ ରହିଗଲା ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଟର୍ନ ବାକି ଯାହାଗୁଡ଼ା ରହିଗଲା ଆରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପୁରା ଜମ୍ପ ମାରିଗଲେ କି ଡାଇରେକ୍ଟ 50 46 ପରେ 47 48 କୁଆଡ଼େ ଗଲା 50 କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 48 ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଇଟା କାଲି ସଲ୍ଭ କରିବା ତେଣୁକରି ସେଇଟା କାଲିକି ସ୍କିପ୍ କରିବା 49 ନମ୍ବରଟା କରିନି କରିଦେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଟ୍ 50 ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛ କରିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା 4 କେ ଏକ୍ସ ଏ ହେଇଗଲା ଆମର ବି ଟର୍ନ ଆଉ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ଟା ହେଇଗଲା ସି ଟର୍ନ କେ ସ୍କୋୟାର୍ ଏ ଯେଉଁଟା ଅଛି କେ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ କେ ପ୍ଲସ୍ 2 ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସି ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଏକ୍ସ ଏଇଟା ହେଲା ବି ଏକ୍ସ ଏଠି ବି କେତେ 4k ବି ହେଲା 4k ଆଉ ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଏଠି ଏ କେତେ 1 ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର ଇକ୍ୱେସନ୍ ଯଦି ବାହାରିଗଲା ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ମିଳିଗଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସମମୂଳ ରହିଛି ତ ସମମୂଳ ମାନେ ଏଠି ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି କ'ଣ ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ଯଦି ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ରୁଟ୍ସ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ବି ଡି ମାନେ କେତେ ବି ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ 4ac ବି ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ 4ac ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି
हाँ तो वर्तमान बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस फोर ए सी टा आर पट को जाए फोर ए सी हो गला प्लस फोर ए सी इम्प्लायज दैट द बी स्क्वायर माने बी ए ठीक है ये जो इक्वेशन टा हमरा बाहर ला ये जो इक्वेशन टा हमरा बाहर ला एटी बी रो वैल्यू केते ना बी रो वैल्यू हो छे एटा माने एटा बी एक्स तो बी केते 4k बी हेला केते ना 4k तो 4k रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac तो 4 ए केते एटी ए रो वैल्यू केते अछि पिला माने एटा x थिला ना तो 1 c केते c रो वैल्यू ए टोटल डा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 ठीक अछि बुझि पारलो तो वर्तमान एटा केते हे जइबो एटा केते हे जइबो ना 400 को 16 एटे 4k स्क्वायर माने 4 रो स्क्वायर 16 k रो स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल्स टू तो वर्तमान 4 गुणन ना एउडा सब कर दबा 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 8 एति की जानी पारलो नेक्स्ट इंप्लाइज दैट ए जो एटी k स्क्वायर अछे एटा हिपट को नै आसीबा 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर तापरे माइनस 4k माइनस 8 अच्छा सॉरी माइनस 4k टा एपट को प्लस 4k हे गला प्लस 8 टा एपट को माइनस 8 हे गले एटा हे गला 0 एटा वर्तमान केते हे गला ना 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर 12k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4k तो ठीक अछि अच्छा ठीक अछि प्लस 4k माइनस 8 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 ठीक अछि तो वर्तमान ए तीनटा जक टर्म मु 4 कॉमन नै जेबी कारण 4 मते कॉमन देखाउ छी तो 4 कॉमन नै गले या भीतर 4 पळेला तो 12 रु 4 होराय के पळेला तो रहला केते 3 3 के स्क्वायर रही गला प्लस एठु 4 पळै छी तो केवल के रही गला एठु 4 पळै छी तो एठी 2 रही गला इक्वल्स टू 0 implies that ए चारिटा वर्तमान आरो पटु को नै जेबी तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 ए चारिटा जेतो से पटु को जाई कहनला 0 तळे हराय गला 0 हरण 4 केते ना 0 बुझि पारलो तो 0 हरण 4 0 तो वर्तमान एटा हला गोटे द्विघात समीकरण याको समाधान करिवा पई कि आमे जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मध्य पद भांगीबा प्रणाली स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 10 रो टिके हिंट्स देछि तो सही जिनसटा हमें पढ़ीबा केमति करिवा एटाको मु ऑलरेडी बारंबार कहूची जे जते बेले एई भळा द्विघात समीकरण आसी मु मध्य पद भांगिया को पढ़ीबो जे प्रथमे 2 आउ एटा माने सी आउ ए टर्म ए तीन दीटा जक गुणीबो तो 3 2 गुणे 6 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर हबा दरकार किंतु एठी मिसेला बेळो को मते हबा दरकार के ठीक अछि प्लस के अच्छा वर्तमान मु कोन करूची ना 3 के माइनस 2k देखो 3k माइनस 2k तो वर्तमान एटी माइनस आउ माइनस माइनस प्लस माइनस मते माइनस 6k स्क्वायर दरकार देखो माइनस 2 प्लस 3k स्क्वायर तो 3 दु गुणे 6k स्क्वायर दरकार माइनस 6k स्क्वायर दरकार किंतु एठी जते बेले मु मिसेइबी ना तो ये मते आसीबा दरकार कोन ना k आसीबा दरकार प्लस k तेनु करी एठी 3k स्क्वायर मु जदे एठी प्लस 3k माइनस 2k 3k रु 2k गला केते प्लस k रहिला बुझी पालो तो एटा एमिति भांगिली तो गुणीला बेळ को 6k स्क्वायर आसुथियो माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बुझी पालो 3k आउ 2k गुणले केते हबो प्लस माइनस माइनस हे जिवो 3 गुणे 6k स्क्वायर आसी जिवो तो वर्तमान या भीतर के कॉमन जिवो ना 3k कॉमन पळेबो 3k कॉमन पळेबो एठी गोटे k रहि जिवो एठी रहिबो केवल 1k तो k प्लस 1 तो वर्तमान मते ए साइड रे भी k प्लस 1 दरकार एठी भी k प्लस 1 दरकार तो एठी मते केते पकेले k प्लस 1 मिलिबो एठी जदी मु एठी माइनस 2 कॉमन नै जेबी माइनस 2 कॉमन नै जेबी तो एठी प्लस k रहि जेबो आ एटा रो भी चिन्ह चेंज हे जेबो 2 हे कि पळेला 0 हे गला तो वर्तमान यही गला 3k ये गला 3k माइनस 2 आ गोटे गला k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट
3k is equals to 2 k is equals to एटा ठीक है तमें तो पूर्वोरु जानी थी बो न जानी पहले doubt पच्चार दबो तो k is equals to 2 by 3 अब एटा है गला k plus 1 equals to 0 माने k equals to minus 1 ठीक है ची तो k रो डेटा वैल्यू बाहरी ला तो वर्तमान एठी हम लोगों जोटा ऑप्शन ने थी बो ऑप्शन ने जोटा थी बो हमें सेटा करीबा अच्छा ऑप्शन रे 2 by 3 अच्छी ऑप्शन नंबर ए रे 2 by 3 अच्छी ए गोटा को हला राइट आंसर ठीक है जी बुझी पालो तो वर्तमान हमें 49 छाड़ी देथिले 49 नंबर क्वेश्चन तो 49 नंबर क्वेश्चन हमें सॉल्व करिबा कोन अच्छी 49 नंबर क्वेश्चन देखि दबा 4000 टंका रो 4000 टंका माने पी हला 4000 टंका रो 2 वर्ष पारे टाइम हला 2 वर्ष पारे 8% हारो रे केते टंका सुध हबो हारो हे गला आर आर इक्वल टू 8% तो केते हबो तो हमें एटा जेतु किछि कंपाउंड इंटरेस्ट जिंस लेखिनी एटी कंपाउंड इंटरेस्ट पकेबा कथा नुह किंतु पिला माने मो ऑलरेडी सॉल्व करि छिया को तो एटी सरल सम माने जोटा सरल कोन सेटा सरल सुध तो इंटरेस्ट जते बेला कैलकुलेशन करू छंती सिंपल इंटरेस्ट तो एठी बाहरुनी तेनु करी जेहेतु एठी क्वेश्चन टिके मिस्टेक अछि कंपाउंड इंटरेस्ट लेखिया को भूल जाई छी तो हमें एठी कंपाउंड इंटरेस्ट रा फार्मूला पके जदी काढी दबा हमहु मिले जइबो कंपाउंड इंटरेस्ट रा फार्मूला कोन p होल इनटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n तो p इक्वल्स टू एठी 4000 इनटू 1 प्लस r बाय 100 r बाय 100 माने केते r ल 8 बाय 100 टू द पावर n माने 2 ठीक अछि तो पिला माने याको जदी तमे सॉल्व करिवो ये हिजिवो 4000 तापर एठी लॉस आगो हिजिवो 100 तो एठी 100 प्लस 8 टू द पावर 2 तो एठी हिजिवो 108 बाय 100 नहीं की 108 बाय 100 तो 4000 गुणन 108 बाय 100 को जदी तमे काटाकुटी करिवो 5 रे काटिले ये जो 25 ये 5 रे काटिले 27 टू द पावर n n माने 2 ठीक अछि तो वर्तमान एठी तमे 27 रो स्क्वायर काढिबो 27 रो स्क्वायर काढिबो 4000 आ 27 रो स्क्वायर इज इक्वल 729 27 रो स्क्वायर 25 रो स्क्वायर 625 ठीक अछि तमे याको जदी काटिबो माने एटा को सॉल्व करिबो त तमको आसीबो 46656 ठीक अछि त एटा केते आसीबो 46656 टंका जोटा कि ऑप्शन नंबर 46656 केते नंबर ऑप्शन नंबर सी रे अछि राइट आंसर एटा ठीक अछि त चलो 50 त कर दे छंदी 51 को पिला माने हमें कोन करिबा करिबा त 51 जोटा मु एबे कंपाउंड सॉरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन रो गोटे वीडियो बनै थिली डिटो से कांसेप्ट एठी अछि रेशियो एंड प्रोपोर्शन व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ माने यौगिक अनुपात कहार यौगिक अनुपात एठी कोन लेखि संयोजित अनुपात यौगिक अनुपात जहां संयोजित अनुपात भी से मने रख पिला माने नहले तमरो प्रश्न पडिथिबो तमे आंसर जानथियो किंतु छाड़ देई गेसिबो देखो तो एठी कोन देछि ना a plus x अनुपात अनुपातटा को म एठी डायरेक्ट तळे लेखि दउ छी a minus x ता परे जते बळ हां एटा एटा गोटे अनुपात आ गोटे अनुपात कोन रहला आ गोटे अनुपात अछि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस x र होल स्क्वायर एटा गोटे अछि आ कोन गोटे रहि गला ना a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर र होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a4 माइनस x4 a4 माइनस x4 ठीक अछि त वर्तमान याको सॉल्व करियार अछि त याको जदि सॉल्व करिवा हमें केमति करिवा ना कंपाउंड इंटरेस्ट माने जानछ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला तमु को कहिथिले या कहिथिल ना नै मने अछि त पिले जे a / b आ b माने धन्य c / d
आउ इ बाई एफ ए तीन टार जदि तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट काढ़िया को देछि तमे कोन कर दबो ऊपर तीन टा गुणी दबो तल तीन टा गुणी दबो एक सी इ डिवाइडेड बाय बी डी एफ हां एमती करियो बोली कहिथिली तो एटा को भी सेइ भले आमे सॉल्व करिबा तो जदि सेइ भले आमे सॉल्व करिबा ताको डायरेक्टली ठीके सज्ज करिक लिखि दबा माने गुणा गुणी करिक कोन गुणी लिखि दबा माने डायरेक्ट ब्रैकेट रे लिखि दबा ए प्लस एक्स ता साइड रे के रहला ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ता साइड रे के रहला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स तापर एठी केते रहला ए प्लस एक्स रो होल स्क्वायर आ एठी केते रहला ना ए फोर माइनस एक्स फोर ठीक अछि एमती थिला त वर्तमान अलगा स्केच के यूज करबा रंग बेरंग करबा त वर्तमान एटा केमती हे जेबो देखिबा अच्छा एटा को हमें खोल दबा एटा को खोल देबा त हमहु किछि इंटरेस्टिंग जिंस मिलेबो ठीक अछि जो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रो स्क्वायर अछि ना त खोल दबा a प्लस x इनटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एटा अछि किंतु एटा केतरा अछि दीटा अछि ताको मु खोली के लिखि दउ छी गोटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तापर आउ गोटे भी लिखि दउ छी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक अछि त वर्तमान तळटा भी सेही भला लिखि दबा ए माइनस एक्स तापर एठी अछि ए प्लस एक्स दीटा त ए प्लस एक्स इनटू ए प्लस एक्स तापर ए फोर माइनस एक्स फोर ए फोर माइनस एक्स फोर ठीक अच्छे तो वर्तमान पिला माने ए जो दीटा को देखु छो ए दीटा कौन ए प्लस बी होल इनटू ए माइनस बी माने ए स्क्वायर टा ए आउ सॉरी ए स्क्वायर टा हला ए आउ एक्स स्क्वायर टा हला बी तो ए प्लस बी होल इनटू ए माइनस बी फॉर्मूला कौन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस एक्स एटा ता जा जागा रे ता अछि किंतु ए दीटा को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माने ए प्लस बी होल इनटू ए माइनस बी माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर केते ए केते ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर केते बी स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर बी हला एक्स स्क्वायर तार होल स्क्वायर ठीक अछि तो एटा एति गेला हाँ एटा भी से भला आउ गोटे स्टेप लिखिया पड़ो जगह हम कि ना देखा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स तो रो रो ये भी डायरेक्ट से भला लिखी दौर एटा ए प्लस बी ए माइनस बी दीटा अच्छे देख तो यहाँ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक अच्छे तापर ता साइडा रहला ए प्लस एक्स तापर रहला ए टू दि पावर फोर माइनस एक्स टू दि पावर फोर ठीक अच्छे तो बर्तमान देख ये पिला माने एटा कौन हो दुई दुगुणे चार तो ए टू दि पावर फोर आउ एक्स टू दि पावर फोर ए टू दि पावर फोर माइनस एक्स टू दि पावर फोर तो मुझे आउ गोटे स्टेप होता जगह ना तेणुक यहाँ जहाँ अच्छी यहाँ भी सैया अच्छी तो यहाँ यहाँ क्यासल तापर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देख ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ यहाँ भी क्यासल आउ ए प्लस एक्स उपर भी ए प्लस एक्स यहाँ भी क्यासल तो आंसर सब क्यासल हो ना एक तो कैसे नंबर अप्सन आंसर था अप्सन नंबर आमर एक कौटी एक इज टू एक एक अनुपात एक ऊपरटा एक तलटा एक अनुपात एक अप्सन नंबर सी रे अच्छी आंसर ठीक अच्छे बुझा पड़ला तो एमती थिला एकावन गला तो पिला माने हम पचास कले एकावन कले बावनटा आम आसंता काली करीबा तो चलो आम जीबा कोठी की तेपन को तेपन नंबर प्रश्न एया अछि जे पिले तेपन नंबर प्रश्न एया अछि जे जदि दीटा सर्कल परस्पर को बाहरे बाहरे टच करंदी ताहले केतटा टैंजेंट हबो माने केतटा स्पर्शक अंकन करा जाय पारिबो साधारण माने दीटा जाकर सेम टैंजेंट तो धरिनियो ए दीटा जागा रे एडी वृत्त दीटा परस्पर सहित टच करछंदी तो केतटा टैंजेंट हे पारिबो देखो
गोटे माने यही वृत्तर जहाँ जोटा स्पर्शक ये वृत्तर भी से स्पर्शक ना नहीं आउ के गोटे दीटा दीटा है आउ गोटे हो पार ना नहीं जेहेतु स्पर्शक मानते दीटा वृत्त को छुईकी जा तो यहाँ भी गोटे स्पर्शक हो पारा जोटा दीटा को छुईकी जा तो टोटाल के गला ना तीन टा स्पर्शक हो गला तीन ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी बुझिपारल बहुत सहज कनसेप्ट थिला चौवन नंबर कौन थिला प्रश्न चौवन नंबर प्रश्न अच्छी जदि चारिटा आंगेल गोटे क्वाड्रिलैटरल गोटे क्वाड्रिलैटरल अच्छी माने गोटे चतुर्भुज अच्छी से चतुर्भुजटा केमिति हम जानि गोटे सीधा टिके मु करू करू कर देली किंतु चारिटा कोण देछि तो चारिटा कोणर वैल्यू ऑलरेडी मो पाखरे दे देछि आउ से चारिटा कोण को देखिए तुम्हें कहिया को पड़ो ये चतुर्भुजटा एक्चुअली गोटे रेक्टांगल माने गोटे आयत चित्र ना गोटे समांतरीय क्षेत्र काइट आउ ट्रापीजॉइड माने ट्रापीजियम ना रम्बस तो एटा तुमको जानिबार अछि किंतु तुमको सब बेले जानियार अछि जे चतुर्भुज जेमितिया हे थाउ एमिती हे थाउ इन द बांकेडा टेढ़ा हे थाउ किंतु चारिटा जाको कोण मिसे देले केते हे जिवो 360 डिग्री हे जिवो आ एडी चारटा कोण दे देछि तो चारटा कोण को आमे मिसे दबा आ 360 डिग्री लेखि दबा देखिबा हमको एक्स रा वैल्यू केते मिलुछि तो चारटा कोण होछि जे एक्स प्लस 50 गोटे प्लस एडी ब्रैकेट मते दबार दरकार नथिला नेक्स्ट ओडा देबेनी 3x माइनस 30 किंतु देदेले भल कम पाई ना जदि एटी फास्ट रु माइनस आस जाय थिबो चेंज हे जिवो तो सेति पई केछे तमे देखि करिवो मु एटी जानि छी बोली लेखि दो छी तो x / 2 प्लस 70 प्लस 2x प्लस 10 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू चारटा कोण नै ना ए चारटा कोण थेथिला मु ताको मिसे कि केते 360 लेखि देले ठीक अछि तो आंसर मोर केते बार जिवो ना देख एक्स टर्म गुड़ा पाखापाखी नहीं जी गोटे है एक्स प्लस यहाँ 3x टा अच्छी ताक नहीं आसली आउ गोटे एक्स प्लस एक्स बै टू अच्छी यहाँ पाक नहीं आसली आउ गोटे अच्छी 2x ये पाख सब नहीं आसली तापर आउ गुड़ा सब लिखिदेली पाखापाखी गोटे 50 थिला आउ गोटे माइनस 30 थिला ठीक अच्छे आउ किए थिला आउ आउ किए ठीक अच्छे तो बर्तमान यहाँ के पिले ना यहाँ जदि मु डायरेक्टली लॉस आउ काढ़ी देवी ये हाँ तो लॉस आउ काढ़ी देले केते हे जिवो एतिक रो लॉस आउ करछ टोटल काढ़ी नहीं कारण आरटा सेपट को नहीं जीवे तो ये दुई बाहर गला तो दुई 2x प्लस 6x प्लस एक्स प्लस 4x 6 × 3 = 9 = 13 6 × 2 = 8 = 4 = 12 = 13 तो प्लस एटा हे जिवो 100 एटा हे जिवो 100 इज इक्वल टू 360 तो यहाँ होगा के 13x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आरटा सेपट को नहीं 360 रु 100 फेड़ा है 260 गला तो 13x इक्वल्स टू दुईटा जापटे गुणा ही गला गुणा है के गला ना 260 हेले 520 हो गला तो 520 तो एक्स इज इक्वल्स टू 520 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू ये गला 40 ठीक अच्छे ये गला 40 तो आमर जो चारटा कोण दे किए किए गोटे एक्स प्लस 50 देला एक्स प्लस 50 देला एक्स रैल्यू के बाहर 40 प्लस 50 के 90 बाहर आउ गोटे कोण दे के 3x माइनस 30 तो 3x मान के 40 तीर 120 120 रु 30 गले के 120 रु 30 गले 90 तापर तीन नंबरटा के एक्स बै टू प्लस 70 दे एक्स के 40 बै 2 के 20 प्लस 70 के 90 आउ गोटे के 2x प्लस 10 मान ये एक्स जगह 40 पकड़े 40 × 80 प्लस 10 90 तो चारटा जाक कोण सामान बाहर 90 डिग्री तो मे भी ये गोटे कौन हो पार वर्गचित्र हो पार ना गोटे आयत चित्र हो पार जार कोण चारटा आग 90 डिग्री थी ठीक अच्छे तो अप्सन केवल आयत चित्र अच्छी वर्गचित्र ना तेणुक आपठ अप्सन नंबर ए जोटा होची हमर आयत चित्र बा इंग्लिश रे रेक्टांगल बोली लिखि देबे बुझा पड़ला नेक्स्ट ये 54 नंबर गला वर्तमान गोटे 55 नंबर करीबा ठीक अच्छे तो 55 नंबर प्रश्न कौन अच्छे पिले
तो 55 नंबर रो प्रश्न पिला माने या छि जे दीटा टेंजेंट अछि माने दीटा स्पर्शक अछंती गोटे वृत्त अछि देखो मु चित्र अंकन कर दउ छि गोटे वृत्त अछि से वृत्तर दीटा टेंजेंट अछंती जार ना हला टीपी आउ टीक्यू टीपी आउ टीक्यू माने तमे जानि पाछो गोटे त कॉमन बिंदु थेबो जार ना हला टी आउ ये स्पर्श करूथिबो ए जागा कोइने नै कि त स्पर्श करूथिबो ये स्पर्श कला स्पर्श कला त स्पर्श कला परे ये वृत्तर केंद्र भी दे देछि ओ ठीक अछि त एठी स्पर्श कला आउ देछि जे वृत्तर हां त वर्तमान देछि एटा को हमें जोग कर दबा एटा को जोग कर दबा ठीक अछि त जेतेबेला हमें जोग कर देले त वर्तमान एटा तमको हां एटा टीपी एटा टीक्यू एडाला ओ त टीपी रो सॉरी पी ओ क्यू तो एटा दे दे छि केते ना 110 डिग्री आउ हमगु एटा केते पचार छि ए कोणटा पचार छि केते ठीक अछि आउ तमे जे जानि छ पिला माने जते बेले एटा पचारि छि त तमे कोन जानि छ ना जते बेले गोटे स्पर्शक कोनोसी वृत्त को जाईकि छुए टच करे त सेते बेले ए जो स्पर्शक आउ ए भितरे जोटा माने हम व्यासार्ध भितरे जो कोणटा होए सेटा 90 डिग्री सेटा 90 डिग्री तो एठी भी से भला 90 डिग्री तो एटा हेगला 90 एटा हेगला 90 तमको एटा कोन देखाउ छी चित्रटा मते को को चित्र देखाउ छी तमको एटा गोटे देखाउ छी तो चतुर्भुज भलिया देखो गोटे बाहु दीटा बाहु तीनटा बाहु चारटा बाहु तो चारटा बाहु हेले चतुर्भुज तो चतुर्भुज रो चारटा माने चारटा कोण केते चारटा कोण मिसि केते 360 डिग्री तो 360 चारटा कोण के ना गोटे 90 आ गोटे केते 110 आ गोटे हला 90 आ एटा देइनी एटा धन्य टी कोण तो 360 चारटा आगो मिसि के 360 तो ए तीनटा आगो मिसि केते होला 9 18 180 180 प्लस ले केते 280 290 290 ठीक अछि तो ना भूल गेला 9 18 माने 180 180 प्लस 100 280 280 प्लस 290 हां एटा 290 हे होला 290 प्लस टी इज इक्वल्स टू 360 सो टी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री हे होला अलग एटा हे जाउछ 70 डिग्री 70 डिग्री तो 70 डिग्री को ऑप्शन रे अछि ऑप्शन नंबर बी रे अछि बहुत सहज थिला नै तापरे 56 नंबर प्रश्न तो 56 नंबर प्रश्न कोन अछि देखि दबा कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा पिला माने वीडियो लंबा हालाणी चलो तथापि करि दबा काई छाडीबा कंपाउंड सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट कहू छी डिस्काउंट गोटे 60 अछि त से 60 रो लिस्ट प्राइस अछि लिस्ट प्राइस माने से 60 ऊपर एमआरपी लिखा आइ छी 270 टका केते टका 270 टका त तार इट इज अवेलेबल एट हां किंतु से जते बेले ता ऊपर कोनोसे किछ गोटे डिस्काउंट हे छी आफ्टर डिस्काउंट ता ऊपर डिस्काउंट हे छी किंतु माने एसपी केते टका रे बिक्री करा हला से बिक्री करा हला 237.6 टका रे ठीक अछि तो वर्तमान पचार छी जो रेट ऑफ डिस्काउंट इज केते परसेंट डिस्काउंट हे छी आ ऊपर तो एटा हमहु फाइंड करियार अछि बहुत इजी किछ दरकार नै माने एठी हमहु डिस्काउंट जानिवार अछि डिस्काउंट केते टका हे छी डिस्काउंट हे छी लिस्ट केते टका लिखा हेतला ना 270 लिखा हेतला दुकानि नेला 237 टका 6 पैसा तो एटा जदि तमे निजे करिवो मु ऑलरेडी तो कर देछि मु जानि छि एटा 32.6 आसि जइबो 32.4 आसि जइबो 32 टका 4 पैसा 40 पैसा बा जा भी हो 40 पैसा एटा ला 4 नो सॉरी तो एटा को जदि तमे कोन करिवो ना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट काढिया पई 80 टका डिस्काउंट ना तो 32.4 ता तळे कोन लिखिबो ना केते टंका ऊपर डिस्काउंट हेतिला ना 270 ऊपर डिस्काउंट हेतिला ना तो एटी 270 गुणन जेतु परसेंटेज काट छ 100 कर दबो तो एठी केते हेजिबो एठी हेजिबो आ 324 विभक्त 10 तळटा रहिला 27 एठी गोटे 10 अछि 10 10 कैंसिल हे गला 324 एठी 27 तो एटा 324 बाई 27 हे गले आंसर मते 27 के 27 5 बडी गला त 54 27 दुगुने 54 त 12% बाहरी गला आंसर ठीक अछि त केते नंबर ऑप्शन रे अछि ऑप्शन नंबर ए रे यार राइट आंसर अछि
ठीक अच्छे बर्तमान आज लास्टा करदे सतावन सतावन पर आउ करनी बाकी जहाँ बढ़ी जाए कतटा चार छा खंडे तो सेटा आम आसंता काली करवा ठीक अच्छे सतावन द एलसीएम ऑफ 90 और 144 ये भाया क्वेश्चन भाग्य थिले मिले पिले माने भाग्य थिले ये भाया प्रश्न मिले केते सहज तो ये केते पकेद तुम्हें कौन गोटे पकईद दुई दुई रनिया हेटा होगा 45 144 हो गले केते हो सात दुई बास्तरी तापर एटा दुईटा जाक कौन कटो तीन कटो नहीं कि तीन कटिले ये हो 15 तीन रहीगले 24 तापर पुणी तीन कटिले एटा केते 15 ताले 5 एटा हो 8 तापर आउ कौ थे कटिबनी सेम सेम तो 5 पकईकि एटी पकाओ 1 8 बोलला तो 8 पकईकि एटी 1 आउ 1 लिखि दियो तो सब तो गुणी दियो तो 2 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 5 गुणन 8 केते हला गुणीकि निजे लेख 3 गुणे 6 36 कि 18 18 5 90 90 गुणन 8 720 ठीक अच्छे 720 ऑप्शन नंबर डी रे यार राइट आंसर अच्छे बुझिपारल तो बस आज ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख कहीं तुमपाई कल की गोटे नुआ वीडियो आसुच्छी जोटा यार पार्ट टू आ भावुचे मु तुम्हें मैंने बहुत सारा पिला आशुतोष बोधवे आशुतोष साहू से कहते कतटा भिड बनवाई मिताली भिड अच्छी निरूपमा किसी भिड अच्छी तो डेफिनेटली धीरे 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 सबकि कवर करवा रिवाइज भी करवा सो हैव ए ग्रेट डे एंजॉय द वीडियो।